तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हुआ हूँ हिंद लेयर पोल्ट्री फार्म, जहाँ पे मुर्गी से अंडे निकाले जाते हैं। तो ये लेयर फार्म काफी बड़ा है, लगभग 80,000 मुर्गी का फार्म है। आप देख पा रहे हैं एक वहाँ, यहाँ, यहाँ और दो तीन इधर, तो काफ़ी बड़ा फार्म है। इस फार्म को कैसे मैनेज किया जाता है? अगर बहुत सारे किसान हैं ना लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं, क्योंकि लेयर फार्मिंग में पैसा अमाउंट ज़्यादा लगता है बट बेनिफिट भी काफ़ी बढ़िया आता है। तो इस लेयर फार्म ऑटोमेटिक सिस्टम है, यानी कि जो भी आपके बर्ड्स हैं उनको फीडिंग हाथ से नहीं देना पड़ता, मशीन सिस्टम है जो आगे वीडियो में आप देखेंगे। और अंडे को भी आप एक डायरेक्ट ट्रे में लेना है, यानी कि आपके पास आ जाएगा वो अंडा मशीन के द्वारा, लेयर के द्वारा वो आपके पास डायरेक्ट ट्रे में डालना है। तो ये लेयर फार्म जो है ऑटोमेटिक, आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक लेयर फार्म है। इसकी पूरी जानकारी दूंगा कि एक अंडे पे कितना खर्च आता है और एक अंडा कितने में सेल हो रहा है। आइए मैं मिलवाता हूँ यहाँ के ऑनर से और पूरी जानकारी लेते हैं। उससे पहले कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऑनर साहब से। हनीफ भाई, हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये फार्म कहाँ पे है, एड्रेस बता दें मुझे। ये गारीडिया विलेज, मोरबी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मोरबी, तहसील वाकानेर। अच्छा, गुजरात में। गुजरात में। ये कितने दिनों से फार्म चल रहा है, लेयर फार्म? 2 साल से। हमने वीडियो में बताया लोगों को कि लगभग 80,000 बर्ड्स का है ये फार्म। शुरुआत से है इतना ही या धीरे धीरे करके बढ़ाया गया? शुरुआत से ही है। शुरुआत से ही है। अगर हम बात की जाए एक लेयर फार्म की, जो मैं यहाँ से वहाँ लंबा देख पा रहा हूँ, एक लेयर फार्म कितना बर्ड्स का होगा? 18,500। तो कितने हैं ऐसे टोटल? चार है। 18,500। अगर हम बात करें 18,500 की, तो कितने बाई कितने में ये लेयर फार्म बन जाएगा एरिया? 260 फीट लंबा है। हाँ हाँ। 42 फीट चौड़ा है। 42 फीट में कितना लेयर का है, जैसे बर्ड्स जो होते हैं कितने खाना बोलते हैं ना, एक खाना दो खाना, तो कितने खाने लगेंगे इसमें 42 फीट्स में? इसमें तो चार रोल लगेंगे, यानी एक लंबा सीधा जाएगा, फिर दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, यानी 10 फीट में समथिंग एक लेयर होता है कंप्लीट। आपने काफ़ी बढ़िया बना रखा है ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे अंडे लाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी लंबा है इसलिए वर्कर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्या कॉस्ट पड़ जाता है अगर हम इस तरह का फार्म बनाते हैं 18,500 का? तो शुरुआत से बताएं सर। एक सेट का खर्चा हो जाएगा 85 लाख। 85 लाख, जैसे किस में कितना कहाँ लगेगा? जैसे आपका मैं देख पा रहा हूँ सीमेंटेड पहले बनाना होगा, तो इसमें कितना लग जाएंगे? और बर्ड्स के रहने के जगह है उसमें कितना लग जाएंगे? मशीनरी में क्या लग जाएंगे? अंडे की मशीनरी है उसका 12 लाख रुपया कॉस्टिंग है। ठीक है। और फीड की मशीनरी है उसमें 6.5 लाख रुपया कॉस्ट। ठीक है। और उसके केजेज है। हाँ, केज है जो जिसका 20 लाख रुपया। 20 लाख में 18,500 मुर्गी का केज बन जाएंगे। केज। ठीक है। और जो आपके बाकी है वो कंस्ट्रक्शन का, बाकी कंस्ट्रक्शन में जितना लगा है। अगर हम बात करें, काफ़ी कंपनियां हैं इसमें और लगभग 18 महीने अंडे देती हैं मुर्गियां शुरू से लेकर लास्ट तक, एक अंडे पे कॉस्ट क्या आ जाएगा समथिंग, अगर खिलाने का, इनका मैनेजमेंट का, वर्कर का, सभी को देखते हैं तो? 2.60 रुपया। ये रेट पूरे 12 महीने का ऐसा ही रहता है, कम ज़्यादा होता है? कम ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल के ऊपर रहता है। रॉ मटेरियल का मतलब हार्डली कितना, कम से कम कितना? 20 साल तो मक्का का रेट 25 रुपया था। हाँ, काफ़ी बड़ा था। इस हिसाब से 3.60 रुपया कॉस्टिंग हार्डली सबसे ज़्यादा यहाँ तक पहुँचा। और रॉ मटेरियल ये साल कम है मक्का का रेट, तो 2.60 रुपया। 2.60 रुपया। आपने बताया लगभग 80 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना होगा, अंडे आने तक के इन्वेस्ट बताया है आपने या फिर मुर्गी जो लाएंगे उसका खर्च अलग? वो तो अलग, वो मुर्गी तैयार होगी 220 रुपया एक बर्ड्स। 220 रुपया एक मुर्गी का खर्चा आएगा, तब अंडा स्टार्ट होगा। अगर एक बर्ड्स को खरीदने में कितना रुपए लगते होंगे? छोटे बच्चे खरीदने में 42 रुपया। 42 रुपये बच्चे का खरीदने में, और उसके बाद 160 रुपये समथिंग खर्च है वैक्सीनेशन, मेडिसिन, फीड कॉस्ट, तब जाके वो 18 महीने अंडे देगी। अगर हम बात करें 18,500 मुर्गियों की, तो कितने अंडे आएंगे इसमें से परसेंटेज में देखें तो? साल का एक मुर्गी 315 अंडा दे, 365 दिन में 315। तो अगर इसकी लाइफ होती है लगभग 18 महीने, 18 से 20 महीना, साल में 315 अंडा बताया ना, 315 का 6 महीना और प्लस करते हैं तो 150 और तो 300, 150, 450, लगभग 550 अंडे, 500 समथिंग अंडे ये साल में दे देगी। अगर
मार्केट की बात की जाए, बहुत सारे फार्मर जिनके पास पैसा होगा, बहुत सारे ऐसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम भी इस तरह से फार्म करें। और मैंने सुना है कि लगभग, मैंने सुना क्या है, मैंने वीडियो भी बनाई है कि समथिंग 5000 बर्ड्स के भी बन जाते हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 लाख रुपये कॉस्ट भी आते हैं। तो अगर छोटे लेवल पर करना अगर कोई बंदा चाहता है तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा हो तो ही प्लस माइनस का बेनिफिट मिल सकता है। मतलब जितना ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, जब रेट रहेगा तो इतना बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। छोटा फार्म रहेगा तो बेचने में भी उसको दिक्कत है। जैसे इधर रेट कम है, 5.60 रुपया है अभी 5.60 रुपये से आपका एक अंडा जा रहा है। तो लगभग पुणे में रेट है 6 रुपया, 40 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है, मेरे को गाड़ी भरवाना है तो मैं भरवा सकता हूँ 5000 ट्रे की। 5 दिन का माल हुआ तो गाड़ी लोड करवा सकता हूँ। आप डायरेक्ट पुणे भेज सकते हैं अंडे को? वो छोटा फार्मर है हाँ, तो वो नहीं भेज पाएगा। आपने बताया 2.60 रुपया कॉस्ट पड़ रहा है और 5.60 रुपये मिल रहे हैं, तो लगभग 2 रुपये का मार्जिन हो रहा है आपका। तो 2 रुपये मार्जिन अगर एक अंडे पे मिल रहा है तो कम नहीं है। लेकिन वो ठंडी में ही मिल रहा है, गर्मी में फिर रेट कम हो जाता है, कॉस्टिंग से नीचा मिलता है। कितना गर्मी में क्या रुपए मिलते होंगे? 2 रुपया, 2.25 रुपया, 2.5 रुपया अंडे का रेट। और कॉस्ट तो वही रहेगा, वही तो घर से लॉस होता है। अगर हम पूरे 12 महीने का एवरेज लेते हैं, 2.60 रुपये तो लगभग ये रहेगा, 260, 280, 3 समथिंग। और अगर हम 12 महीने का पूरा मार्केट का रेट देखते हैं, जैसे हमारे अंडे का रेट अभी 5.60 रुपये है, अगर हम पूरे 12 महीने का एवरेज लेते हैं तो कितना रुपया आएगा इसका एवरेज? प्रॉफिट ऐसे गिनेंगे तो पर बर्ड्स 110 रुपया से 150 रुपया मिलेगा बर्ड्स पे। एक बर्ड्स कितना भी तेजी रहे, कितना भी एक दिन का नहीं, एक फ्लॉक 18 महीने, 18 महीने का। तो एक फ्लॉक में लगभग कितना बेनिफिट दे के जाता है 18,500 वाला समथिंग? 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया दे के जाएगा, कम ज़्यादा होगा फिर भी 30 लाख रुपये 18,500 मुर्गी दे के जाएगी। अगर हम इसको काउंट करते हैं सबका, जैसे आपने बताया 4 है तो लगभग 1 करोड़ हो जाते हैं। 1 करोड़ 18 महीने में हम कमा सकते हैं। बट इतना इन्वेस्ट लगभग 7 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया है, तो 1 करोड़ आप 1.5 साल में समथिंग कमा रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने बताया 2 साल पुराना फार्म, 2 साल में आपका जितना करोड़ लगाया अभी तक आया नहीं होगा? नहीं आया। लॉकडाउन आ गया अभी। लॉकडाउन में तो काफ़ी समस्या आया होगा। नुकसान गया 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है, अभी बहुत अच्छा चल रहा है पूरा। ये तो फरवरी तक चलना चाहिए बढ़िया, जनवरी तक आराम से चलेगा, जनवरी तक बढ़िया चलेगा। अभी तो इतना होगा कि डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। डिमांड ज़्यादा है। अभी हम देख रहे थे कि एक आपका बंकर खाली है, कैच खाली है पूरा, मुर्गियां नहीं है इसमें, इसकी क्या कारण है? इसमें अभी ब्रूडिंग में बर्ड्स बच्चे उछेर हो रहे हैं। उसके फार्म किस तरह के होते हैं हम देखना चाहेंगे। चलो दिखाते हैं। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है बड़े, 35 लाख अगर हम 5000 का बर्ड्स का करते हैं बिजनेस, तो समथिंग क्या कमा लेगा अगर हम पूरे एवरेज देखें या फिर मंथली देखें? 4 लाख रुपया महीने का। 4 लाख पूरा फ्लॉक 18 महीने का 4 लाख रुपया बचा पाएगा? मात्र 4 ही लाख रुपया बचा पाएगा? इतना कम होने का वजह? उसकी खुद की फीड फैक्ट्री नहीं है, खुद फीड नहीं बना रहा है, कंपनी से ले रहा है दाना। और बेचने में वो प्रॉफिट नहीं ले पाएगा इतना। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जहाँ पे लगभग 7 या 8 हज़ार मुर्गी थे, उनका लगभग 3 रुपये कॉस्ट आ रहा था अंडे बनाने में, और समथिंग 6 रुपये, 5 या 6 रुपये समथिंग उनका अंडा जा रहा था। तो एक पर डे का उनका समथिंग इतना बच रहा था कि वो महीने का बता रहे थे कि 3 लाख रुपये हमारा अभी बच रहा है। और हमेशा उनका अंडे का रेट यही रहता है क्योंकि वो किसी को नहीं देते, रिटेल सेल हो जाता है। खुद की शॉप रहती है इसलिए। हाँ, खुद की शॉप रहती, तो खुद की शॉप रहने पे बेनिफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत मुर्गियाँ लग रही है और ये अंडे के लिए तैयार होंगी, बच्चे से बड़े हो रही हैं। कितनी है? 18,500।
अच्छा मोर्टिलिटी के हिसाब से ज़्यादा लगेगा था। छोटा बच्चा तो इसमें हम नहीं डालते होंगे ना? छोटा बच्चा भी इसमें डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। एक दिन का चूजा भी डाल सकते हैं। और धीरे धीरे करके वो खाएगा कैसे? तो छोटा बच्चा जो रहेगा उसको खाने के लिए बर्तन रखा जाता है इसके अंदर, तो काफ़ी दिक्कत मेहनत लग रही है उस समय, एक एक पाँच छः दिन। उसके बाद यही केज में वो खा लेगी। और पानी पिलाने का सिस्टम कैसा करते हैं? तो वो भी तो काफ़ी ऊपर होगा ना, साइज के मुताबिक निपल को जितना नीचे लेना चाहें वो आ जाता है। तो ये कितने दिन की मुर्गियाँ हैं अभी इसमें? कितने दिन में अंडा पे आ जाएगी? एक सौ पाँच दिन पे। तो आपका जो खाली वाला यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कैज, उसमें डाल देंगे? हाँ, उसमें शिफ्टिंग कर देंगे। शिफ्टिंग कर देंगे। अगर कोई नया बंदा, बहुत सारी जानकारी आपने दे दी, लगभग सभी चीज़ बता दी है सर आपने। और अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपकी ये किस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं? वेंकिज। वेंकिज, अब आपका दो साल के एक्सपीरियंस में सबसे बढ़िया कंपनी की बात की जाए तो कौन सा चल रहा है? 25 साल से वेंकी ही चलाते हैं, अंडे में और ब्रॉयलर में। 25 साल से आपका वेंकी जी चल, इससे पहले ब्रॉयलर था? ए, ब्रॉयलर अभी भी है। 25 साल से वो चल रहा था, दो साल से इसका लेयर का किया है आपने वेंकी जी, मतलब बढ़िया आपके हिसाब से वेंकी बढ़िया कंपनी काम कर रही है। बात करें तो आपने बताया लगभग के 90 दिन में ये उसमें चले जाएगी, धीरे धीरे अपने पीक पे आएगी। नए फार्म जो करना चाहते हैं उनको कैसे चुनाव करें, किस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा सा दो मिनट उस पर बोल दें सर। खुद का पैसा हो तो अच्छा है, खुद का पैसा लगाते हैं तो अच्छा है। बैंक से अगर लेते हैं तो उसमें नुकसान ही जाता है, तो भरपाई होती नहीं। अगर खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अपना करें। लाइव बर्ड से मोर्टेलिटी हो गई, बिल्कुल मोर्टेलिटी का परसेंटेज अगर देखा जाए 18,500 में, वो जब उनका 18 महीना पूरा होने तक कितना मोर्टेलिटी होता होगा? 1500-1600 बर्ड्स, 10% 10% मोर्टेलिटी का है। अगर अपना पैसा है तो ये बिजनेस बढ़िया है, किया जा सकता है आपके मुताबिक। अगर कोई भाई आपसे हेल्प लेना चाहता है तो कुछ वक्त निकाल सकते हैं, कोई टाइमिंग निकाल सकते हैं? क्या टाइम रहेगा आपका अगर ऐसे देखते हैं? सुबह में कभी भी। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? 8 बजे के बाद कभी भी, 12 बजे तक। 12 बजे तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती समय दी। तो दोस्तों लगभग सभी चीज़ सर ने बताई कि किस तरह से फार्मिंग करें, किस चीज़ का ध्यान रखें और कितना पैसा आप बचा सकते हैं और कब किस वक्त आपका फार्म लॉस में जा सकता है, पूरी जानकारी दे दी गई है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिया गया है, आप इनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।